जम्मू कश्मीर की सरकार में भाजपा को रास्ता देने वाली पीडीपी और उसकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जनता ने सिरे से नकार दिया और उसका रास्ता ही साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले और बालाकोट ऑपरेशन बनाम 35A पर जो घमासान हुआ था, उसका असर घाटी और जम्मू में अलग अलग दिखाई दिया। जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर मोदी सरकार के राष्ट्रवाद के मुद्दे बीजेपी को फायदा दिला गए। वहीं घाटी में आतंकवाद, अलगाववाद, सैन्य कार्रवाई जैसी संवेदनशील घटनाओं को उठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फायदा लिया। सत्ता में भी जो भागीदारी महबूबा ने बीजेपी को दी थी, उसकी कीमत उन्हीं को घाटी के मतदाताओं के गुस्से के रूप में चुकानी पड़ी। इसी का नतीजा है कि 2014 में राज्य की 6 लोकसभा सीटों में घाटी की तीनों सीट पर कब्जा करने वाली पीडीपी इस बार अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आपको बता दें कि जम्मू पुंछ सीट पर जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर डोडा सीट पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी अपनी सीट बरकरार रखी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग सीट पर, जो महबूबा का गढ़ कही जाती है, वहां पर भी नेका के हसनैन मसूदी ने कड़ी टक्कर में कांग्रेस के जीए मीर को 10,000 मतों के अंतर से हरा दिया। बारामूला में नेका के ही मोहम्मद अकबर लोन जीते, जबकि लद्दाख में कड़े संघर्ष में भाजपा के जामयांग शेरिंग फिलहाल लगभग 3,000 मतों से आगे चल रहे हैं। न्यूज डेस्क।